ग्यारह सब 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 जैन साहब आइट नर्सिंग स्टैंड नागा बाबू कटिन गढ़वाल साहब। अच्छा आप एन में पलटन के ही हैं? यस सर। पहले गए हैं साथ में कभी? ग्लेशियर में थे। यस सर। चलो अब ये भी अच्छा मौका मिल गया सर जाने का, है ना? सब कुछ सर। ऑल द बेस्ट साहब। जैन साहब सिंगल मैन जी मोहन साहब 98 है सब 19 आइडिया सर सब। तो आपने किया है कोर्स? मैंने किया सब। नहीं किया तो डेढ़ घंटा कौन की ट्रेनिंग में थकी? ट्रेनिंग अच्छा लगा आपको? जी सब। सीओ साहब ने कराया सब। अच्छा था? अच्छा था सर। भरोसा है सब? साहब आप लोगों के साथ बहुत एक्सपीरियंस आ रहे हैं, डरना नहीं है, ठीक है? अच्छा प्रदर्शन देना जी सब। जैन साहब सिंगल मैन ध्रुव कुमार 1990 साहब। ओके तो आप भी साथ जा रहे हो साहब? आपने किया सर? नहीं सर। अच्छा मौका है जैसा कि मैंने मोहन को बताया। ठीक ओके। पर्वतारोही टीम माउंट नून और माउंट कुन की चोटियों पर फतेह हासिल करने जा रही है, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में खड़ा एक पर्वतीय पुंजक है। ये दो शिखर हैं, 7,135 मीटर ऊंचा नून पर्वत, उसके ठीक उत्तर में। टीम का नेतृत्व कर्नल रजनीश जोशी कमान अधिकारी 13 गढ़वाल राइफल कर रहे हैं। डिप्टी लीडर है, इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी दो बार फतेह किया है। 19 इन्फेंट्री डिवीजन की माउंट नून और माउंट कुन पर्वतारोही टीम के सभी सदस्य संपूर्ण यात्रा में स्वस्थ व निरोग रहे। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन। This what nobody has ever achieved. ऐसा बहुत है तो आप वो करके आएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो है दोनों को एक साथ फतेह करना। ऐसा ऑल द बेस्ट होता है। आगे माउंट मुन और माउंट कुन को फतेह करने के लिए इन्होंने स्वयं मेरे को आकर बोला कि मैं इस एक्सपेडिशन में भाग लेना चाहता हूं, और उनका उत्साह और उनका मोटिवेशन देखकर मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि हमें ये प्रयास करना चाहिए। एक चीज जो एमसी ने आपको नहीं बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। माउंट कुन और माउंट नून इंडिविजुअली यानी कि एक एक तरीके से तो बहुत बात फतेह हो चुका है, लोगों ने इसको क्लाइंब किया है माउंटेन को, लेकिन आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों पीक्स को एक साथ क्लाइम किया गया हो या फतेह किया गया। तो ये हमारा प्रयास है जो आज तक पहले नहीं हुआ कि हम दोनों माउंटेन पीक्स जो कि जंस्कार रेंज के अंदर है, माउंट कुन और माउंट नून, उनको एक साथ फतेह करने की हमने तफसीज बनाई है, और अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो इसको हम फतेह कर भी आएंगे। उसके लिए पूरी की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। मुझे आप लोगों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर हमारी डिवीजन में कोई नहीं है जो इस कार्य को कर सकता है, और पूरी की पूरी डिवीजन की निगाहें हमारी टीम के ऊपर होगी कि आप ये जो मिशन पे आप लोग आज जा रहे हैं आप इस मिशन को फतेह करके यहां पर लौटेंगे। एक और चीज कि ये सब कार्रवाई जो हम कर रहे हैं ये किस लिए करते हैं, क्यों करती है आर्मी कि हम ये एडवेंचर टाइप एक्टिविटी करते हैं? इसको करने के दो तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि हमें लगता है हमारी कुछ सीमाएं हैं, जहां तक कि हमारी मानसिक शारीरिक और किसी भी प्रकार की क्षमता है। जब हम इस प्रकार का टारगेट अपने सामने रखते हैं और इन टारगेट को अचीव करते हैं, तब हमें एक्चुअल में ज्ञात होता है या पता चलता है कि हमारी जो मानसिक और शारीरिक, साथ ही साथ दूसरी चीज इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो हमें एक सीख देते हैं। सीख क्या देते हैं? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने पीक के ऊपर झंडा लगाया 19 डिवीजन का या भारत माता का, उससे ज्यादा अहमियत है उस जर्नी की, उस रास्ते की जो हम सफर अदा करेंगे वहां तक पहुंचने का। उस सफर से हमें इतने उद्देश्य मिलते हैं, इतनी सीख मिलती है जो कि हमें जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करती है, और वो किस प्रकार से हमें अंदर लानी चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी सीख है जो इन एडवेंचर एक्टिविटीज से हमें मिलती है। अभी मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार फिर पूरी पूरी 19 डिवीजन के बिहाफ पर हमारी इस माउंट एक्सपेडिशन को जो कि कर्नल रजनीश साहब एक शानदार ऑफिसर हैं, एक शानदार माउंटेनियर हैं, लीड कर रहे हैं, और साथ में हमारे सूबेदार मेजर साहब हैं, जैसा कि आपने सुना दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, तो इससे काबिल हाथ हमारे पास नहीं है। तो इनकी नेतृत्व में जो हमारी टीम जा रही है इसको पूरी की पूरी डिवीजन की तरफ से शुभकामनाएं,
और मुझे एक आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है, इतना सा भी एक डाउट नहीं है कि ये सफल होकर वापस आएंगे और अपना और अपनी डिवीजन का पलटन का नाम कमाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। 19 इन्फेंट्री डिव की, 19 इन्फेंट्री डिव की, भारत मा